हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिसके हेल्प से हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और जिसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप सब सोच रहे होंगे व्हाई आई एम टॉकिंग इन हिंदी नाउ, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि हम सबकी नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी है, बट वी ऑल आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। सो उसमें मैं भी पीछे नहीं हूँ, बिकॉज द वे आई एम स्पीकिंग टूडे इट वॉज नॉट अ स्टोरी फॉर मी ईयर्स बैक। सो आई ऑल्सो इम्प्रूवड अ लॉट इन द ईयर्स, द सेम थिंग आई एम शेयरिंग विद यू। सो सबसे पहले हम आज ये समझेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके हेल्प से हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और दूसरों पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो वॉट यू नीड टू डू इज, नंबर वन इज जनरल नॉलेज। अब आप ये सोचेंगे कि जनरल नॉलेज का इंग्लिश से क्या कनेक्शन, बट है, क्योंकि हम सारे के सारे ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे वी हैव टू इंटरैक्ट विद मेनी पीपल। यू नो, सोशल मीडिया के कनेक्शन की वजह से आजकल हम लोग बहुत सारा डेटा कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी न्यूज़ हम देखते हैं। इनफैक्ट आजकल हम सारे स्टूडेंट्स या फिर मेरे जैसे लोग जो पढ़ना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं, वो किसी ना किसी न्यूज़ के बारे में बात करते रहते हैं। इनफैक्ट व्हेन यू हैव जनरल नॉलेज एट योर बैक, सो आप उसके बारे में सेंटेंस फ्रेम करना सीख सकते हैं। In fact, you would learn new words as well. और अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसे sentences, ऐसे words आपको social media पे मिल जाएंगे जिनका आपको मतलब ही नहीं पता होता और वो daily language में use हो रहे हैं। So मेरे हिसाब से number one point ये होना चाहिए जहाँ पे आपको current affairs या फिर current news जो भी normal life में चल रही है उसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप new words सीख सकते हो और इससे अपने conversation में या अपनी daily language में English में use कर सकते हो। Number two is books या फिर watching movies। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी दैट यू शुड गो एंड वॉच द एनी मूवीज वॉच यू वॉन्ट, बिकॉज हर मूवी आपके लिए रिलेवेंट हो दैट इज नॉट कंपल्सरी। बट अगेन, अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, जैसे कि मैं पढ़ना पसंद करती हूँ, आई रिसेंटली एम रीडिंग दिस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इट इज अ वेरी रिलेवेंट बुक एंड आई फाउंड वेरी गुड वोकैबुलरी एंड द यू नो द बैकग्राउंड एंड द जिस्ट ऑफ दिस बुक इज वेरी नाइस। सो अगर ऐसी कोई बुक आप ले सके और उसको पढ़ सके तो भी आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग में और आपकी वोकैबुलरी में एनहांसमेंट हो। पॉइंट नंबर थ्री, ग्रामर एंड सेंटेंस मेकिंग। सो फार इन आवर लाइफ वी हैव केम अक्रॉस विद बेसिक ग्रामर्स इन आवर स्कूल, राइट? हम सब ने कुछ ना कुछ ग्रामर तो स्कूल में पढ़ी ही है। अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का बेसिक हम सब ने पढ़ा हुआ है, तो क्यों ना हम उन सारी किताबों को कहीं से कलेक्ट करें या फिर हमारे कोई सिबलिंग्स हो, हमारी फैमिली में कोई पढ़ता हो, उन बुक्स को कलेक्ट करें और उनमें से बेसिक ग्रामर को एक बार रिफ्रेशर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो बेसिक रूल्स हैं सेंटेंस मेकिंग के वो क्लियर हो जाएंगे, जहाँ पे आपको वर्ब कहाँ पे लगानी है, ये प्रेजेंट सेंटेंस है या फ्यूचर का सेंटेंस है या पास्ट है, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यू कैन क्रिएट सेंटेंसेस वेरी इजीली, राइट? तो ये तो हो गई ग्रामर की बात। नाउ इसकी हेल्प से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं बुक रखने जा रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, ऐसे बेसिक सेंटेंसेस को आप इन ग्रामर की हेल्प से आराम से बना सकते हो। सो यहाँ से आपका सेंटेंस फ्रेमिंग और आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द की पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड सो फार। नंबर वन इज वोकैबुलरी टू इम्प्रोवाइज योर इंग्लिश। नंबर टू इज जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। इट मीन्स द रीसेंट news and recent social media topics which you are willing to read and discuss with people so that you can add those words in your life. And number three is the basic grammar and sentence framing for your daily life, right? It means from morning till the evening you can jot down important points and create basic sentences out of it so that you can practice that. Once you start practicing those basic sentences or the, you know, easy sentences, I would say, then gradually you would be able to create paragraphs. And that's how you can improvise your English. I hope this video is helping you to improvise your English. So please like, subscribe my channel so that next time whenever I am coming with a new video would help you. Thank you so much.